कोलकाता मेट्रो ने गंगा नदी के नीचे से पहली मेट्रो रैक बुधवार को हावड़ा मैदान तक ले जाकर इतिहास रच दिया। लंबे इंतजार के बाद देश की पहली मेट्रो ट्रेन गंगा नदी के नीचे से दौड़ी। भारत में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी बने। कोलकाता के बीबीडी बाग महाकरण से हावड़ा मैदान स्टेशन तक मेट्रो रेल की रैक नंबर MR612 ने पहली यात्रा की। इस रैक ने हुगली नदी को 11:55 पर पार किया। इस दौरान रेड्डी के साथ मेट्रो के अतिरिक्त महाप्रबंधक HN जायसवाल, कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD समेत मेट्रो के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ट्रेन के पहुंचने के बाद रेड्डी ने हावड़ा स्टेशन पर पूजा की। बाद में रैक नंबर MR613 को भी हावड़ा मैदान स्टेशन ले जाया गया। Hooghly River, deepest station at 33 meters of depth, is the first of its kind in India, and also the first of its kind beneath the river that we have laid the line, and this is a historic moment for the city of Calcutta. Also, the trials will be started off, so it will take about 7 months to complete the trials and the safety certificate, and then after that we will be able to start the regular services. This one, sir. This one, I'm the genie. So today we...